हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल फिंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाके अपने सब्सक्राइबर ऐड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो क्लासिक वर्जन था वो चला गया, अभी बेटा वर्जन आ गया है सभी फ़ोन में। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि अपने सब्सक्राइबर ऐड वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाकर कैसे अपने सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में youtube.com यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या पहले से लॉगिन है तो आप अपने यूट्यूब को ओपन कर सकते हैं। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप साइट ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस वो खुल कर आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल की DP पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यूट्यूब स्टूडियो का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे चले जाना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक चैनल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप चैनल वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है खुलकर सामने आएंगे। तो यहाँ पर एक एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना, और फिर स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे चले आना है। तो यहाँ पर फिर से आपको एक ग्रीन कलर में दिखाई देगा एडवांस चैनल सेटिंग, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद एक न्यू टैब आपके सामने ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। 2 नंबर पे आपको जो दिख रहा है डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ द पीपल सब्सक्राइब ऑफ माई चैनल, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और फिर नीचे यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस सेव वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर वो हाइड हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस सेटिंग को अपडेट होने में 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है। तो आप निश्चिंत रहे, आपकी जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी और आपके सब्सक्राइबर वो हाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।